मोबाइल का चाइना से इंपोर्ट कैसे बंद हो, जो मोबाइल की रिपेयर में लगता है, अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए, उसकी पूरी नसें खोलिए, सोचिए, बुद्धि की इस्तेमाल करिए। राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? तो अभी हमारा इवेंट हुआ था 22 जनवरी को, और इवेंट हमारा सक्सेसफुल बहुत अच्छा रहा। लोग वागों को इतने सारे गिफ्ट मिले, लोग वागों को मतलब 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की माइक्रोस्कोप, किसी को 4,000 रुपये का आयरन, किसी को कुछ। सबसे बड़ी चीज़, जो रिजल जी थे, उन्होंने बड़ी खुशी होके इंडिया के 3 बंदों को उठाया और उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ आओ इंडोनेशिया, मैं काम सिखाऊंगा। तो मेरा आज का जो वीडियो में मोटिव ये है कि श्री राम निवास जी गोयल जी इस इवेंट में आए थे, वो विधानसभा के अंदर स्पीकर हैं। तो उन्होंने एक कमेंट किया, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, कि उन्होंने बोला कि जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल है, या कोई भी एनीबॉडी, आप सबको पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चीज में सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। वो ये चाह रहे हैं कि भाई आप इंडिया के अंदर वो चीज मेकिंग इंडिया करो, मैं आपके साथ हूं, उन्होंने ये बोला। मतलब ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, और उनका कहना भी बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हमारा इंडिया का पैसा बाहर जाता ना यार, दुख नहीं होता? अगर आपका पैसा कोई पड़ोसी खा जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? आपका पैसा आपका भाई ले लेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो प्रोडक्ट हम बाहर चाइना से खरीद रहे हैं, क्या मेकिंग इंडिया नहीं हो सकता? हो सकता। जब हम मोबाइल के अंदर इतना सारा घुस के बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम मेकिंग इंडिया नहीं कर सकते? तो इन चीजों को होते हुए मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं, और इस सवाल का मेरे को जवाब चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी मैं उनकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग सुनना और नीचे कमेंट करके बताना कि ये बात सही है या गलत है। UMT, MRT, अमेरिकन थंडर, या UFI, या EGGTEC वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है, सब बाहर से आ रहा, सब बाहर से। इंडिया में झुंझुना भी नहीं बन रहा, एक प्लास्टिक का होता ना 5 रुपए का, वो भी नहीं बनता, वो भी बाहर से आ रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं यार मेकिंग इंडिया कर रहे हैं यार, कुछ तो करो। अब हमारा जो मोबाइल मिस्त्री था ना, वो मिस्त्री खत्म हो जाएगा, अब एक इंजीनियर बन जाएगा आने वाले टाइम में। मतलब हम अपग्रेड हो रहे हैं यार, हम अपने स्किल पे, अपने हाथ, मतलब अपने आप को अच्छा करने के लिए इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, 40,000-50,000 लाखों रुपए लगा रहे हैं। आजकल वो जमाना नहीं है कि 10,000 रुपए मोबाइल दुकान खुल जाती है। आज के टाइम में अगर मोबाइल दुकान ओपन करोगे ना, कम से कम आपको लाख रुपए लगाने पड़ेंगे रिपेयरिंग के अंदर, क्योंकि फोल्डर वाली मशीन अलग है, और SMD मशीन अलग है, और आपका माइक्रोस्कोप अलग है। मतलब एक आयरन पहले जो 70-80 रुपए का आता था ना, वो जमाना गया, आज की डेट में आयरन भी 5,000 रुपए का, ठीक है। तो मेरा कहना ये है भाई, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई जुनून है, और आप दिखाना चाहते हो, और आपकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आपके साथ हूं। अगर कोई चीज ऐसी है जो आप बनाने में इच्छुक हो, जो हमें बाहर से ना लेनी पड़े, बाकी हाँ जो चल रहा चलने दो, जब हम खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर हम बाहर से क्यों लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए और मैं इस चीज को बना सकता हूं, तो नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और आपसे बात करूंगा जरूर। और ये श्री राम निवास गोयल जी की वीडियो है, ये वीडियो देखो और मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। ये रिपेयर से ही सीमित नहीं है, मोबाइल का चाइना से इंपोर्ट कैसे बंद हो? यह सवाल, बिल्कुल सवाल। जो मोबाइल की रिपेयर में लगता है, उसको सारा पोस्टमार्टम कर लेता है, और एक बार पोस्टमार्टम करने के बाद अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए, उसकी पूरी नसें खोलिए, सोचिए, बुद्धि की इस्तेमाल करिए, इस मोबाइल में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। रिपेयर करना अलग विषय, 4G 5G विदेशों में पहले आ गया, मेरे देश में बाद में आ रहा है, और 6G की हवा शुरू हो गई है भारतीय मुल्कों में, वो मेरे मुल्क से शुरू हो, ये रिपेयर करने वालों से बेहतर।
जैसे मैंने पहले कहा वो तो उसका पोस्टमार्टम करता है, उसको इससे थोड़ा बाहर निकलना है, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए थोड़ा समय उसमें लगाइए कि इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी का भारत मालिक बने। जैसे आज कंप्यूटर का भारत मालिक बना हुआ है, कंप्यूटर में हमारा कोई शानी नहीं है, मैथ में पूरे विश्व में हमारा कोई शानी नहीं है। वो बात अलग है कि चाइना से खिलौने भी इम्पोर्ट हो जाते हैं, चाइना से गणेशा जी भी इम्पोर्ट हो रहे हैं, चाइना से पतंग उड़ाने की डोरी भी इम्पोर्ट हो रही है, पीछे से कौन बोला डोरी इम्पोर्ट हो रही है मालूम नहीं, दिवाली की लड़ियां इम्पोर्ट हो रही है, पटाखे इम्पोर्ट हो रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे। जो लोग कभी गली गली घुमा करते थे चाइना का इम्पोर्ट बंद होना चाहिए, पुतले जलाते थे, आजकल उनके मुंह पर ताने लगे, अब वो घूमते नहीं या बोलते नहीं। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा उनको उस काल में ले जाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है कि LIC कंपनियों का इंश्योरेंस खोलने के लिए बाहर की कंपनियां बुला ली गई थी, पॉलिटिक्स में नहीं, उस वक्त सरकार दूसरी थी, उस वक्त जगह जगह आंदोलन हुए, रुक गया, रुकना चाहिए। फिर उसके बाद लहर चली, बाहर के वकीलों को इजाजत दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने की, कंपटीशन बढ़ेगा, LIC में भी सस्ते होंगे, उसका विरोध हुआ, भारतीय वकीलों को इजाजत नहीं मिली। लेकिन अभी एक हफ्ता पहले वो विश्व क्लास यूनिवर्सिटियां, वो विश्वविद्यालय जहां मेरे इस देश के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको लाइसेंस दे दिया गया कि आइए हिंदुस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी को खोल चालू करिए। मालूम है नहीं, मालूम है नहीं मालूम, फिर हम किस देश में रहते हैं? ठेस पहुंचनी चाहिए मन को कहीं ना कहीं, उसका रास्ता यह होना चाहिए था कि मैं अपने विश्वविद्यालयों को, अपने देश के विश्वविद्यालयों को, जहां नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, जहां बाहर के मुल्कों के बच्चे पढ़ने आते थे, उनको ऊंचाई पर लेके जाऊं, उस सत्र का बनाऊं कि मेरे देश के बच्चे तो रुके ही रुके हैं, विदेशों के बच्चे यहां पढ़ गए। अगस्त मास के महीने में हमारा सम्मेलन था, सीपीए कंट्री का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, वहां शाम को वहां के एम्बेसडर ने डिनर दिया, हमारा इंडिया का लगभग 80 लोगों का डेलीगेशन था। उन्होंने बताया कि 4.5 लाख बच्चे अगस्त के मास तक भारत के कनाडा में पढ़ने जा चुके, 4.5 लाख। और उन्होंने यह भी बोला कि एजुकेशन का जितना इंडिया का बजट है, हमारे देश के बच्चे जो विभिन्न देशों में जाते हैं उससे कम है। तो ये टेक्नोलॉजी, आज का ये वर्कशॉप किसी आयाम पर पहुंचे, किसी ऊंचाई को छुए। मैंने इसलिए विषय छेड़े चाहिए कि मुझे मेरे दिल को यह बात लगे, और हम उन ऊंचाइयों को छू जाए। लगाइए थोड़ा सा दिमाग, अभी पीछे दिल्ली के स्कूलों के प्रिंसिपल्स, उनके मालिकों की बैठक की बात बनी, एक प्रिंसिपल ने बोला, मालिक ने, सॉरी मैनेजमेंट के नाम नहीं ले रहा हूं, कि मैंने इतनी प्रगति की है जी, मेरे 8 स्कूल खुल गए अपने जमुना पार के लिए, हमारे छोटे बड़े मिला के 8 स्कूल हो गए। मैंने भी 12 कर लीजिए, 16 कर लीजिए, पर मुझे बताइए आपके स्कूल में 12th पास करने के बाद प्राइवेट स्कूल का कितने बच्चे बाहर गए? कोई डाटा नहीं था। मैंने कहा ऐसा, इतने स्कूल खोल लीजिए, लेकिन एक कॉलेज खूब बड़ा स्कूल, लेकिन एक ऐसा कॉलेज भी खोलिए कि आपके स्कूल के बच्चे बाहर पढ़ने लग जाए, वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले, इतनी ऊंचाई का एक कॉलेज खोलिए, तब तो मजा है। और आइए हम भी मिल करके
आप लोगों को जितनी भी इस मामले में टेक्निकल नॉलेज के लिए कोई और बड़ी वर्कशॉप मुझे बाहर से भी बुलाने पड़े, एक बहुत बड़ी वर्कशॉप लगाई है विधानसभा में, आई विल हेल्प यू। Not a single buy you have to spend on it. I will do that. लेकिन मेरी शर्त यह है कि हम में से कोई निकल कर कहे मैंने एक छोटा सा रिसर्च सेंटर बना दिया है जहां केवल इस काम पर मैं रिसर्च कर रहा हूं कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी को भारत जो है मेरा देश ऊंचाइयों को छुए। नाम तो होगा ही होगा, साथ के साथ फिर जो लोग विश्व के पीछे भागते हैं निश्चित रूप से हमारे पीछे भागेंगे। मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अ हैंड एंड वंस अगेन गिव अ वेरी हार्टेस्ट वार्म वेलकम वंस अगेन फॉर द ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली विधानसभा से। चलिए।